सब्सक्राइब करें और देखें हर बार दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी। बिहार में एक छोटा सा गांव है शंखनापुर। गांव के बीचों बीच 200 साल पुराना एक बरगद का पेड़ था। शाम होते ही 7 बजते ही पूरा गांव शांत और सुनसान हो जाता था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में छिप जाया करते थे। उस पेड़ से रात में अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी। रात में बिल्ली और कुत्ते की रोने की आवाज मानो शरीर में सिहरन पैदा करती थी। दिन भर तो गांव में चहल पहल रहा करते, पर शाम होते ही रात होते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक जाया करते थे। पेड़ गांव के बीचों बीच था। पेड़ के नीचे बहुत सुंदर सा चबूतरा बना था, पर गांव वाले परेशान थे। सभी गांव वालों ने मिलकर विचार किया कि उस पेड़ को काट दिया जाए, पर इस बात की जानकारी वहां के एक फॉरेस्ट अधिकारी को हो गई। वन विभाग वाले अपने लाव लश्कर के साथ उस गांव में पहुंच गए। उन्होंने उस पेड़ को काटने से रोक दिया। गांव वालों ने बहुत समझाया बुझा कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल की आत्मा रहती है। हम सभी गांव वाले डर के साए में जीने के लिए मजबूर रहते हैं, आप इस पेड़ को काटने दीजिए। पर अधिकारी इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उनका कहना था ये पेड़ बहुत ही पुराना है, यह हमारी धरोहर है, हम इसे नहीं काट सकते। गांव वालों ने बहुत समझाया पर अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं थे। अधिकारियों ने गांव वालों से कहा आप लोग डरे नहीं, हम अपने 2 आदमी यहां रात भर के लिए छोड़े जाते हैं, वो रात भर रुककर यहां देखेंगे। अगर कोई भी डरावनी घटना नहीं घटती है तो आप इस पेड़ को नहीं काटेंगे, अगर कोई डरावनी घटना घटती है तो हम खुद ही इस पेड़ को कटवा देंगे, आप लोग अपने अपने घर को जाइए। अधिकारी अपने 2 आदमी को वहां छोड़कर खुद भी वहां से चला गया। अधिकारी दोनों वहां पर रात भर पहरा देने लगे। 10 बज रहे थे, कोई खास घटना नहीं घटी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों पहरा देने वालों ने वहां चबूतरे पर बैठकर खाना खाया और वहीं थोड़ी देर लेटकर आराम करने लगे। ठंडी हवा चल रही थी, ऐसे तो शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी, ऐसी ठंडी हवा और एकदम शांति थी वहां पर। दोनों को नींद आ गई। अचानक छमछम पायल की आवाज हुई और उसमें से एक मित्र की आंखें खुल गई। उसने छनछन की आवाज सुनी और अपने दोस्त को उठाने लगा, अपने साथी को उठाने लगा, पर उसका साथी हिलडुल नहीं रहा था। अब उसने देखा कि उसका साथी उस पेड़ के एक तने से लटका पड़ा है। अब उसकी आंखें फटी हुई थी, डर के मारे उससे आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो चिल्लाना चाहता था, लोगों को बुलाना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, बगल में उसका साथी सो रहा है और उसकी लाशें पेड़ से लटक रही है। ये क्या घटनाएं घट रही है उसके साथ, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा उसके साथी के बगल में एक चुड़ैल पैर लटकाए हुए कुछ गुनगुना रही। अब डर के मारे उसकी आंखें और चौड़ी होती चली गई, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक आंखों के सामने मानो अंधेरा छा रहा।
सुबह जब उसकी आंखें खुली तो आसपास पूरे गांव वाले और अधिकारी उसे घेरे हुए थे। उसका साथी भी बगल में ही बैठा था। दोनों ने रात की पूरी घटना कह सुनाई। सभी सोच में पड़ गए कि दोनों के साथ एक ही जैसी घटना कैसे घट सकती है। उसके साथी ने भी बताया कि रात में उसने देखा कि उसके साथी की लाश पेड़ पर लटक रही है और उसके पास ही एक चुड़ैल पैर लटकाकर पायल झनझना रही है और कुछ गुनगुना रही है। यह सब सुनकर अधिकारी भयभीत हो गए। उन्होंने आनन फानन में उस पेड़ को काटने का आदेश सुना दिया। गांव वाले खुश हो गए, पेड़ कट गया। धीरे धीरे लोग इस बात को भूल गए। अब उस गांव में ऐसी कोई घटना नहीं घटती। वहीं पर एक पीपल का पेड़ लगा दिया गया है और लोग उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और लेट से वीडियो बनाने के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अब रेगुलर वीडियो आता रहेगा।